हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जाम्पल में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जाम्पल कलम से क्रांति। साथियों, बहुत से उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी छूट में, मतलब जो एज है उसमें ओवर एज होने के कारण उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो आगामी भर्ती है नहीं दे पाएंगे। उसके लिए वो सब बच्चे चाहते थे कि चार साल भर्ती नहीं आई, उसमें उनकी कोई गलती नहीं है तो एज में छूट दी जाए। उनकी मांग भी बिल्कुल जायज थी कि 2018 में लास्ट जब भर्ती आई और अब अगर 2022 लगाएं 23 तो 5 साल होने वाले, तो जो लोग जनरल कास्ट के जनरल जो उसमें आते हैं वर्ग में वो 18 के थे तो 2023 तक आते आते उनकी अपने आप ही एक तरीके से आप देख सकते हो 22 वर्ष एज हो गई, तो वो तो अपने आप आउट हो गए। तो सरकार से मांग की जा रही थी भाई थोड़ा मानवीय देखिए, उन बच्चों को मौका दीजिए और केवल उनको नहीं हर एक वर्ग को दो, जनरल एससी एसटी ओबीसी सबको ही कम से कम 2 से 3 साल की छूट दो। उसके बाद में आप देखोगे केंद्र सरकार ने अपनी सीआरपीएफ ट्रेडमैन हो या फिर एसएससी हो, उन परीक्षाओं में वो कोविड के बाद हुई भी है फिर भी उनमें छूट दी है। लेकिन आप जानते हो उत्तर प्रदेश सरकार हम ही ने चुनी है और सरकार को लगता है कि जो गांव देहात के बच्चे हैं या उनकी बात न सुनकर वो कोई बहुत बड़ी पदवी हासिल कर लेंगे या मतलब इसमें कुछ सख्ताई दिखाकर वो गवर्नेंस का सुशासन का एक नया अध्याय इतिहास रचेंगे, तो ये थोड़ी सी गलत चीज है। अगर किसी भी सरकार में मानवीय भावनाएं नहीं होंगी, वो समस्या को नहीं समझेगी, फिर तो ऐसे ही हो गया कि भाई कोई भी मौत ऑक्सीजन से नहीं हुई, गंगा के किनारे हजारों लाशें दफनाई गई, इंकार कर देना। तो वो एक चीज, आप सरकार में आपके पास ताकत है, आपके पास पावर है, आप कुछ भी कह सकते हैं, किसी को भी दबा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, परंतु एक मानवता जो होती है, मानवीय भावनाएं जो होती है, तो सरकार से ही दरख्वास्त करूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी युवाओं से सब कुछ बने, सरकार युवाओं के लिए इतना सब कुछ सोचती है। एक चीज युवाओं के लिए नहीं की गई पिछले 5 साल में कि जो युवाओं को थोड़ा सा लगे, हर एक वर्ग के लिए बेसक कुछ भी किया हो, लेकिन कोई ऐसी चीज कि चलो भाई ये मेरे ही देश के मेरे ही प्रदेश के युवा हैं, इन्होंने ही मुझे चुनकर भेजा है, लगातार 2 बार भरोसा किया है और फिर से मुझ पे भरोसा करें, मैं इनको चलो कम से कम छूट, नंबरों में तो कोई छूट नहीं मांग रहे और जायज मांग रहे केंद्र सरकार ने दी है। तो आप सभी ने पिछले रविवार खूब बढ़िया ट्विटर कैंपेन की, तो ये जो अखबार वाले थे वे पहुंचे होंगे सरकार के पास, भर्ती बोर्ड के पास। तो आज की पेपर कटिंग में अभी आधिकारिक सूचना नहीं है, ऑफिशियल नहीं है, ये आज की पेपर कटिंग है कि भाई जो लोग उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही बनने का सपना देख रहे हैं लेकिन उनकी उम्र आड़े आ रही है, अब आयु सीमा में कोई रियायत मिलने की उम्मीद नहीं है, उच्च पदस्थ अधिकारियों ने इसकी संभावना से इंकार किया है। अधिकारी अपने लिए कितने नियमों में ढील करवा ले, लेकिन एक गरीब मजदूर किसान का बच्चा या इस भारत में ना, वो एकदम बिल्कुल दबने के लिए कि सारे के सारे जो विकास कार्य उसी की आकांक्षाओं उसी की उम्मीदों को दबाकर पूरे होंगे। एक 3 साल की छूट भर्ती में मिल जाएगी तो पता नहीं ऐसा कौन सा आफत आ जाएगी, मतलब शर्म की बात है कि खुद की गलतियों की वजह से 4 साल से, चलो 2 साल कोविड था, 2022-23 क्या हो गया भाई, तुमने भर्ती नहीं दी, 2022 से आज तक तुमने टेंडर पास नहीं किया, अपनी जो नाकामी है उसे कोई नहीं बताएगा यहां पर अधिकारी, लेकिन तुम बड़े क्यों हुए, तुम्हारी उम्र क्यों बढ़ी, 2018 में तुम्हारी उम्र क्यों नहीं रुक गई। सरकार का इस तरह से पक्ष रहता है, तुम 2018 से 2023 तक ओवर एज 23 साल के क्यों हुए, तुम 18 के क्यों ना रहे, क्योंकि तुमने चुना है उन्हें तो लात भी तुम ही खाओगे। एक दो कुछ तो मतलब मानव के एक कुछ तो मानवता रखो भाई। तो आयु सीमा मानक में थी जल्द 52,699 आयु सीमा की अपील कर रहे थे तो उन्होंने क्या कहा कि भाई निविदा जारी होगी, देखो ये पुष्टि हुई है कि टेंडर जारी होगा, ये पुष्टि हुई है उच्च पदस्थ अधिकारियों से, उच्च पदस्थ अधिकारियों ने ये पुष्टि की है, पर आयु सीमा में छूट देने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है। तो मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, जब तक आप अपने लोकल भाजपाइयों को जो आपके मंत्री विधायक सांसद एमएलसी प्रधान नगर पालिका नगर निगम नगर परिषद जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत इन सबको पत्र नहीं दोगे तब तक आपकी बात नहीं सुनी जाएगी।
और मतलब ये गलत चीज है अगर ये लोग इसमें छूट नहीं देते, बहुत मतलब अन्याय है। और हमसे जो बन पड़ेगा तुम्हें इसमें छूट दिलाने के लिए, हम तुम्हें वो सब करेंगे, क्योंकि ये तुम्हारी कोई गलती नहीं है कि इसमें तुम लोगों की वजह से ओवर एज हुए हो। इसमें जनरल अगर 4 साल से भर्ती आ जाती, 2022 में भी आ जाती, मत छूट देते आप एक भी, क्योंकि 2022 में भी 4 साल थे, 2020 में मत आते कोरोना था, 2021 में भर्ती नहीं आई दिल्ली पुलिस, तो 2020 में आई, 2021 में जीडी आई, आपके बस की भर्ती करना नहीं था। अब आप पुराने सारे आंकड़ों को 5 लाख जोड़ देते हो तो कोई क्या कहेगा, कुछ कहेगा तो FIR कर देते हो। अन्याय से लड़ो अगर इतना ही वो है तो, तर्क से लड़ो। तो क्या है कि गरीब किसान यहां पिसने के लिए पैदा हुआ है, वोट देने के लिए, उम्मीद ना करे वो कुछ भी। तो आप जो भी पत्र पत्रिकाएं लोकतांत्रिक ढंग से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन वगैरह पहुंचाकर ट्विटर इत्यादि के माध्यम से, शायद आपकी बात अभी भी चांस से सुन लिया जाए। बाकी जो कुछ भी बन पड़ेगा हम लोग कोशिश करेंगे, जो भी उचित संवैधानिक तरीका होगा, ठीक है। बाकी पढ़ाई आप अपनी जारी रखिए, मत सोचिएगा कि मैं ओवर एज हूं तो मैं ना पढ़ाई करूं, पढ़ाई जारी रखो, क्योंकि ये कितना भी अपने झुटलाए लेकिन अगले साल चुनाव है, इनको समझ में आ जाएगा कि इनकी बच्चों की गलती नहीं थी, इससे बड़ा अन्याय हो ही नहीं सकता। ये एक युवा के साथ सबसे बड़ा अन्याय हुआ कि सरकार अपनी नाकामी को बच्चों पर डाल रही है, तुम्हारी एज क्यों बढ़ी, तुम्हारी एज उतनी क्यों नहीं रही। बाकी क्लास आप सभी के लिए चालू है, आज रात को 8 बजे साथी में एक मैराथन ले रहा हूं हिंदी की 3 घंटे, अब सभी से निवेदन है उस क्लास में लाइव जरूर आए, आपका भी हौसला बढ़ाऊंगा, मुझे भी हौसला मिलेगा। मेहनत से नहीं डरेंगे, मेहनत जरूर करेंगे और पूरी कोशिश संवैधानिक तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से ये भी करेंगे कि आपको एज में छूट मिले, ठीक है भैया। बाकी आप सब भी अपने स्तर से पत्र पत्रिका इत्यादि सौंपकर आवेदन प्रत्यावेदन रिक्वेस्ट कर लीजिए सरकार से, नहीं सुनेगी तो और भी कई माध्यम है, वहां से भी बात पहुंचाएंगे, ठीक है भैया। तो चलिए यही आपको बताना था, रात को 8 बजे वाली क्लास में आपका वेट करूंगा। थैंक यू, जय हिंद।